ये आप देख सकते हैं गरम गरम। तो वाह, किस हिसाब से देख सकते यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। हेलो दोस्तों, परिंदाना मौजूद फिर एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके सजेशन देना दोस्तों। और इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, वहां जाके मुझे फॉलो कर देना। भाई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कहां पे तुम ये चैलेंजेस कर रहे हो, ये आप देख सकते हैं मैं लेकर आ चुका हूँ होटल। जो मैं होटल के ऊपर जो होटल में जो चैलेंज करता ना, ये आप देख सकते हैं चेन्नई टिफिन प्योर वेजिटेरियन। अब यहाँ से करेंगे अपन एंटर। और आप देख सकते हैं दोस्तों चेन्नई टिफिन का डाइनिंग एरिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा है मेन्यू। और आपको मैं इसके किचन में ले जाऊंगा और ले जाके बताऊंगा कि किस हिसाब से साउथ इंडियन डिश बनाई जाती है और कितने क्लीननेस से आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ये आप आ सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ का किचन। जल्दी आ जाओ कैमरे वाले भाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अपन एंटर करेंगे किचन के अंदर। ये देख सकते हैं किचन है यहाँ पे, ये पूरा किचन दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनता है पूरा इडली। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बनाई जाती है, यहाँ पे पूरे करीस है। और यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं वड़ा दिख जाएगा यहाँ पे, जबरदस्त वड़ा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरी चीज जो कि है मैसूर भजिया। ये आप देख सकते हैं जबरदस्त मैसूर भजिया है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं गरम गरम। तो वाह, किस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे 70 mm का डोसा भी बनता है, 35 mm का डोसा भी बन सकता है। बस आपको आना है और इंजॉय करना है चेन्नई टिफिन के। और ना डिस्क्रिप्शन में ना मैं इसका आपको एड्रेस डाल दूंगा, वहां से आप आ सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। भूलना नहीं दोस्तों, चंदन गुट्टा एक्सपोर्ट है ना, वहां पे ही आपको मिलेगा चेन्नई टिफिन सेंटर। आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे साउथ इंडियन फूड और आपको जबरदस्त तरीके की साउथ इंडियन चाय भी मिलेगी। और यहाँ पे और आपको और एक चीज बता दो, यहाँ पे साउथ इंडियन में कैसी तरीके से बिरयानी बनती है, ये देख सकते हैं आप बिरयानी, वेज बिरयानी। और ये देख सकते हैं उपमा, ये देख सकते हैं जबरदस्त उपमा। और इसके अंदर उपमे के अंदर आपको वैरायटी भी मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं दूसरे टाइप का उपमा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे चपाती और यहाँ पे चटनी, जबरदस्त चटनी। और आपको आगे आगे बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे क्या क्या जबरदस्त तरीके से बनता है। आज की खाली क्या था, आज का टूर वीडियो था जो कि है चेन्नई टिफिन का। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डोसा किस हिसाब से बनता है और कैसा। यहाँ पे बहुत सारे डोसे बनने वाले हैं, पनीर डोसा हो गया, बटर डोसा हो गया और मैनी टाइप्स ऑफ डोसेस है। आपको हल्लू हल्लू यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, मैं खाने वाली वीडियो बना रहा था ना, अब बताऊंगा कि डोसा किस हिसाब से बनता है। और आप इंजॉय, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या कहेंगे हम, कम ऑन माय फ्रेंड्स।